Welcome to low voltage. आज का हमारा टॉपिक है डब्ल्यू बॉक्स वीडीपी के कनेक्शन। दोस्तों, कुछ दिनों पहले हमने डब्ल्यू बॉक्स वीडीपी का अनबॉक्सिंग करते हुए वीडियो यूट्यूब पे डाला था। आई होप आप लोगों ने रिव्यू किया होगा। आज हम इसका डब्ल्यू बॉक्स के वीडीपी के कनेक्शन करते हैं। तो जिसके अंदर हमने मल्टी अपार्टमेंट वीडीपी लिया हुआ है, मल्टी अपार्टमेंट के अंदर MAC4FC आउटडोर स्टेशन, PC6 ए पावर सप्लाई, MAD B4 डिस्ट्रीब्यूटर जो कि एक आउटडोर किट के अंदर आते हैं, साथ ही WDP M7W जो कि मॉनिटर है, टू वायर सिस्टम पे काम करता है। ये हमने पार्ट्स लिए हुए हैं। मल्टी अपार्टमेंट के अंदर जो हम केबल यूज़ करते हैं वो है 2 कोर 1.5 स्क्रम कॉपर केबल जो कि 80 मीटर तक के डिस्टेंस के लिए यूज़ की जाती है। अगर हमारा डिस्टेंस कम हो तो हम 2 कोर 1 स्क्रम अप टू 40 मीटर तक भी यूज़ कर सकते हैं। आइए इसके कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो, हमने सर्किट डायग्राम डिज़ाइन किया गया है यहाँ पे, जिसके अंदर आपका आउटडोर स्टेशन है। दिस इज़ आउटडोर स्टेशन बैक साइड फोटो, दिस इज़ आउटडोर स्टेशन फ्रंट। सो दीज आर द 4 बटन्स। यहाँ पे 4 बटन दिखाए गए हैं। ये कैमरा है एंड ये आपके पावर सप्लाई है, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, ये आपके मोनीटर पहला, मोनीटर दूसरा। तो हमने क्या किया है, ये हमने लॉक लगाया है। लॉक के लिए पावर सप्लाई एक्स्ट्रा दी है। लॉक का नेगेटिव, पावर सप्लाई का नेगेटिव डायरेक्टली लॉक के नेगेटिव पे लगाया है। जो पॉजिटिव है पोर्शन पावर सप्लाई का, वो कि हमने पी पे लगाया है जो कि आपका आउटडोर स्टेशन के बैक साइड में है, और वहीं से एस प्लस से हमने पॉजिटिव वायर निकालते हुए लॉक पे कनेक्ट कर दी है। और जो पावर सप्लाई है ये 220 वोल्ट दी हुई है। ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके इसके अंदर हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर लगा रखा है, तो ये बिल्ट इन साथ में आती है। तो इसके अंदर एक DS है जो कि डोर स्टेशन का इंडिकेशन देती है। डोर स्टेशन से हमने 2 वायर्स लिया और बस पे कनेक्ट कर दिया। ये पोलैरिटी लेस है तो हमें इसमें प्लस माइनस का कोई इशू नहीं होता, किसी भी वायर को कहीं पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके साथ हमारा इंडोर मॉनिटर के लिए आपका यहाँ पे 2 वायर्स निकलता है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के इन पे लगाते हैं। तो इसके अंदर 4 ऑप्शंस होते हैं, यानी अगर मैं कोई भी 2 ऑप्शंस यूज़ कर सकता हूँ, आइदर दिस और आइदर दिस 2। इसके अलावा मैं यहाँ पे जो अनदर दूसरी ऑप्शन मिलती है उसकी साइड में 4 VDP मॉनिटर लगाने के लिए ऑप्शन मिलते हैं, जिसके अंदर मैंने अपने यहाँ बना रखा है कि फ्लैट नंबर 1 के पीछे बस के अंदर कनेक्टिविटी किया 2 वायर्स का, सेकंड फ्लैट के लिए फिर 2 वायर निकाला और कनेक्टिविटी किया। जो फ्लैट नंबर 1 है उसके अंदर हमें डिप स्विच 1 और 6 को ऑन करना है और बाकी डिप स्विचेस 2, 3, 4, 5 को ऑफ रखना है, जबकि मॉनिटर नंबर 2 के अंदर हमें 1 ऑफ रखना है, 2 को ऑन रखना है और 6 को ऑन रखना है। ये समथिंग लाइक एज ए बाइनरी कनेक्शन, जैसे बाइनरी में होता है। एड्रेसेस समझाने के लिए 1 और 6 ऑन करना है, 2, 3, 4, 5 ऑफ करना है, ये एड्रेस 1 बन जाएगा। 2 और 6 को ऑन करेंगे, 1, 2, 1, 3, 4 और 5 को ऑफ रखेंगे, एड्रेस 2 बन जाएगा। 1, 2, 6 को ऑन करेंगे, 4, 3, 5 को ऑफ रखेंगे तो एड्रेस नंबर 3 हो गया। 3 और 6 को ऑन करेंगे, 1, 2, 4 और 5 को ऑफ करेंगे तो एड्रेस नंबर 4 हो गया। इस तरह से हम मॉनिटर्स को एड्रेस कर सकते हैं। तो लाइव प्रैक्टिकल करने के लिए हमने इसका डोर पावर सप्लाई लिया हुआ है, जिसके पीछे रेल माउंट है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं बस के लिए डोर स्टेशन और बस के लिए मॉनिटर के कनेक्शंस दिखा रखे हैं। एंड हमने कनेक्टर से ऑलरेडी केबल्स लगा रखी है, तो इसको हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। 2 वायर हमने आउटडोर स्टेशन के लिए निकाला, तो आउटडोर स्टेशन के पीछे बस पे कनेक्टिविटी किया लाइक दिस वे। दूसरा हमने 2 मॉनिटर के लिए वायर निकाला जो कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स के इनमें लगा दिया, और इधर से 2 वायर आउट किया, एक पहला फर्स्ट मॉनिटर के लिए, सेकंड मॉनिटर के लिए, और मॉनिटर्स के बैक साइड में कनेक्टिविटी कर दिया। तो हमारे कनेक्शन हो गए हैं। आइए जब बटन नंबर 1 प्रेस किया तो फ्लैट नंबर 1 के लिए बेल बजा। सो सेकंड फ्लैट के लिए हमने 2 नंबर बटन प्रेस किया, सेकंड नंबर मॉनिटर पे बेल प्रेस हो रहा है।
ये कवर सर। और इसके अंदर अगर हमें इंटर कॉम फैसिलिटी एनेबल करनी है तो सबसे पहले आप सेटअप बटन पे जाइए, देन अबाउट को प्रेस कीजिए, कुछ देर के लिए लॉक बटन को प्रेस रखिए तो आपके कोडिंग का ऑप्शन आता है और यहाँ से आप इसको कोडिंग डाल सकते हैं। तो इसमें जो हम एड्रेसिंग करेंगे वो 9015 से शुरू करेंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और फ्यूचर के इसी प्रकार के डोजेस के लिए, टेक्निकल जॉब्स की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।